सो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। पीछे वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था ना, तो इसीलिए पॉज कर दिया उसे। तो ये था सतीश भैया का घर और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। किस लिए जी? इतना जो पीछे दिख रहा है ना, ये सब नारियल है और इसे बिक्री करने के लिए है ना। कितने बजे तक आएंगे रात में? नहीं नहीं, अभी 2 किलोमीटर ना जाके अभी आएंगे। जब भी आएंगे और अभी लड़ लें। अभी बड़ा होने से 2 साल लगता है। इसे यही रहने देते हैं। आ गए घर वापस। जो मेरे होस्ट है ना, इनका बहुत बड़ा बागान है, नारियल का भी पेड़ है और क्या था यार, सुपारी, और सुपारी के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, वो अभी देखेंगे। तो आप लोगों को अगर पता हो तो साउथ इंडिया में चिकन फाइट होता है, मतलब जो दो मुर्गों के बीच में लड़ाई होता है और उस पे पैसा लगाया जाता है। और यार इस चिकन फाइट में ना लाखों रुपया लगाया जाता है, यूँ मान सकते हैं कि जुआ टाइप ऐसा। अभी क्या है कि मेरा होस्ट का जो बड़े भाई है ना, इससे बोल रहे कि यार घड़ी नारियल है, लेकिन भैया समझ नहीं रहे। क्या गड़ी नारियल? बिना पानी वाला नारियल, वो ऐसा वाला आता है ना, सूखा वाला। सूखा वाला उसपे बहुत कौन सा है? यहाँ पे आपको पानी वाला भी नारियल मिलेगा और गड़ी नारियल भी, बढ़िया, हमें पसंद है गड़ी नारियल। अभी जो मेरे होस्ट हैं वो अपने बागान दिखा रहे थे, क्या क्या इनके यहाँ पे। इस टैंक के अंदर मछली है, दिखाई नहीं देता शायद, स्मेल आ रहा है, दिख रहे दिख रहे। और ये पीने वाला पानी है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पीने वाला टंकी वो है ना, वो उस पर पीने के लिए हम नहीं लेते हैं, हम इस पे लेते हैं ना, वेल पे वाला ये है पेड़ है, लेकिन अभी पता है कौन सा सब्जी, वो जैक फ्रूट आता है ना, जैक फ्रूट जैसा आता है ये भी, हम तो देखा नहीं यार। क्या बोलते हैं, अमरूद, अमरूद भी है ना, सिर्फ एक ही दिया हुआ निकाल दिया ना। ये वाला है ना, कौन सा, ये बताओ क्या है? ये खजूर लग रहा है, खजूर है ना, ऐसा नहीं हम तब बोल रहा था ना। अच्छा कौन सा पत्ता? तेज पत्ता, तेज पत्ता देख लिया, पहचानते हैं। क्या है ये? कीड़ा है, कीड़ा है ये। थोड़ा सा टच करेगा ना, इतना करंट मारता है वो वाला।
ये कीड़ा को हल्का सा टच करेंगे तो करंट मारेगा। फिर क्या बाद में ऐसे ऐसे छील के ऐसे छीलते हैं, ऐसे छील के सुखा के बेच देते हैं। इस पे केजी पे 30 रुपीस ऐसे मिलता है, कभी कभी 40-50 ऐसे होता है। इसको कहो, इसको स्वीट भी है थोड़ा, ये भी है। अरे ये तेज पत्ता है कि क्या, समझ नहीं आ रहा है। तेज पत्ता नहीं है फिर ये, वो मसाला का पैकेट आता है पता है, उधर मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं मुझे। अभी क्या कर रहे थे कि ये जो गड़ी नारियल है ना, ये हम खाते खाते आ रहे थे और हमें लगा कि ये जो पत्ता है ये तेज पत्ता है जो चिकन वगैरह वगैरह में डालते हैं ना। हाँ वही है, चिकन वगैरह पे डालते हैं ना, लेकिन नॉनवेज पे डालते हैं वो। लेकिन इसे चबाने के बाद एकदम अलग तरह का स्मेल, जैसे कि इलायची हो। और एक चीज़ क्या है यार, दिखाते हैं अभी। देखिए ये जो कीड़ा दिख रहा है ना, ये जो कीड़ा दिख रहा है, ये भी भाई बोले कि इसे हल्का सा टच करने पे ना पूरा करंट दौड़ जाएगा पूरा बॉडी में। क्यों टच करें हम, हमें पहले नहीं पता था, पता होने के बाद भी टच करेंगे ना। और भी कोई मसाला है आपके बगल में? मसाला तो वही वो वाला पेड़ दिखा है ना, उसका भी एक ये आता है, उसका अंदर का एक फ्लावर जैसा आता है, वो भी मसाला का ही है। अच्छा पहाड़ चढ़ गए, नीचे रहा घर। और भैया बता रहे थे कि ये जो जगह है ना, ये कहीं पे बोरिंग करो, डीप बोरिंग भी, तो यहाँ पे पानी नहीं निकलता। तो आप लोग पानी कहाँ से लाते? नहीं मतलब हर जगह पे नहीं मिलता है, एक एक जगह पे मिलता है। हमारा ड्रिल किया ना उस पे पानी है, लेकिन हमारा रोड पे आगे है ना उस साइड पे पानी थोड़ा मिलता है। इस जगह पे ये आता है चीता, इस जगह पे चीता आता है, ये पूरा अंदर जाएगा तो जंगल है। अरे भाई उधर एक पत्थर दिख रहा है ना, वो लास्ट 12 पे उधर सो वो नीचे ये है उसका सोने का जगह। क्यों डरा रहे हमको? नहीं नहीं सच में चीता है यहाँ पे। और देखिए यार ये जो जगह है ना, यहाँ पे काफी ये समझ लो कि पत्थर वगैरह है। तो भैया क्या किए हैं कि जगह जगह पे क्या है, ये नारियल का पेड़ है, इसको पाइप लगाया, नारियल का पेड़ है और पानी के लिए ये पाइप लगाया और बीच में ड्रिफ्ट कर दिया। कुछ आता है ना तो रुकने के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा मतलब ऐसे नीचे नहीं है, थोड़ा नीचे का हिस्सा ऐसे खाली कर रख के ऊपर का हिस्सा पे घर बनाने का सोच रहा था। भाई नीचे करीब 100 मीटर है, ठीक है नीचे। तो भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे घर बनाएंगे हम, कमाल है जी। ना, गाड़ी नहीं आने का, सिर्फ इंसान आने का, इंसान आने का पैदल। कहीं भी उधर से आएगा ना तब पता चलना चाहिए कोई बंदा। और ये सब नारियल का पेड़ है ना? नहीं नहीं ये इसका सुपारी का, सुपारी का है। ये सब लगा सुपारी, इतना ज्यादा फायदा है सुपारी में? हाँ केजी पे 450 450 रेट। और नारियल में कितना था? 32-31 रुपीस एक केजी में, 31 रुपये एक केजी। इन लोग जो है वो नारियल को बिक्री करते हैं तो 31 रुपये बदले में मिलता है। और सुपारी में 400 कितना बोले? 450 रुपये ना, 700 तक जाता है। कब? कभी कभी मतलब ये फसल कम होता है ना, फसल कम होने के टाइम पे ऐसा कम होता है। क्या है लौकी? लौकी का जैसा है अलग है लौकी से। हाँ यार साउथ इंडिया में तो सारा कुछ अलग ही रहता है। मतलब यार पहाड़ में बगान बना के रखे हैं और सारा कुछ सिस्टमेटिक, मतलब पानी भी पड़ने के लिए सारा कुछ व्यवस्था है।
पाइप वाइप मोटर और भी चीज़ें। और यार ये लौकी है कि क्या है? अब आप काशी हलवा सुना है क्या? कौन सी हलवा? काशी हलवा? ना नहीं नहीं। इसपे बनाते हैं कैसे? वो पका के बनाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं, मेरे भाई को पता है। ये हनुमान फल है। हनुमान फल? नहीं नहीं, लक्ष्मण फल है। लक्ष्मण फल? हाँ लक्ष्मण फल है वो वाला। इधर एक हनुमान फल है, वो इतना छोटा इसके है ना एक हो। अभी क्या हुआ कि भैया जो है ना वो एक पेड़ से पत्ती तोड़ के दिए। यार काफ़ी खट्टा लगा हमें, दिखाते हैं एकदम इमली के जैसा। कौन सा ये पेड़ है? ये वही है मैं उधर बोला ना जूस बनाने का। अच्छा जूस बनाने का। इसका पत्ता का चटनी बनाता है। अच्छा इस पत्ती का ये चटनी बनाते हैं। नाम नहीं बताएं इसका? इसका नाम है इधर तो पुनारपुली बोलते हैं। पुनार मतलब ये होता है उसका कलर चोटता है ना। अच्छा इमली के जैसा खट्टा। नाम क्या है प्रॉपर नहीं पता। ये वाला ये है ना केला है भाई। केला इतना बड़ा आता है, ग्रीन कलर का केला आता है ना वो वाला। अच्छा अरे ऊपर ये पत्ता हमें मजा आ गया, काफी खट्टा है और खाने में भी। नींबू फलना स्टार्ट हो गया ना। हो मतलब देखा जाए कि इन सारा मतलब पहाड़ों में ही सब कुछ उपजा के रखे हैं ये है ना। और जो सतीश भाई है ना इनके घर में सिर्फ इन्हीं को हिंदी आती है और किन्हीं को नहीं, कन्नड़ और ये क्या है लोकल लैंग्वेज तुड़ु, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा अभी तक। माहौल बहुत शांत है और जल्द से बाहर में कोई दिखेंगे भी नहीं, गिने चुने लोग दिखेंगे। कौन मोबाइल द पार्टी में? मोबाइल द पार्टी गांव घूम रहे हैं। और अभी क्या है कि आम जो है ना आम का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो कच्चा आम हम फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं कर्नाटका में। खट्टा है। एक बात समझ नहीं आता, ये कुत्तों लोग हमसे दुश्मनी क्या है? देखो बिल्ली कितना बढ़िया से आ रही है ना। बाबू इधर आ जाओ, कम अज्जा। अरे रे 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 रे। बिल्ली डर नहीं रही, लेकिन वो कुत्ता सब जो है ना लोग आतंक मचा रखा है। ये क्या पक गया है? चेरी, चेरी बोलते। थैंक यू। चेरी का पेड़ है और क्या लगता है मीठा? हाँ मीठा, ज़्यादा मीठा नहीं। पक गया तो ज़्यादा मीठा ना, वो पक गया नहीं। चेरी का पेड़ है और ट्राई कर रहे हैं हम चेरी। मीठा यार, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना हल्का महुआ जैसा है, हल्का सा, और बाकी काफ़ी मीठा है। चेरी। थैंक यू।
ये पक्षी ज्यादा खाते हैं। पक्षी पक्षी बर्ड्स कौन सा? अभी चेरी दिखा है ना। अच्छा, इसका बात कर रहे हैं कि ये पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। हम दिखा रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे कोई घर नहीं है, ठीक है, तो पूरा झाड़ वाड़ दिख रहा है ना आपको, रोड भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ घर है तो इसके अंदर जाओगे ना तो काफ़ी साफ आपको मिलेगा, साफ सुथरा। और इधर भी अच्छा, ये यहाँ पे जो डब है ये तो काफ़ी सस्ता होना चाहिए फिर, डब का पानी, डब नारियल, नारियल का सस्ता नहीं है, 30 रुपये ऐसा होता है। तो अपने से भी तोड़ के ऐसे काट के खा सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि यार यहाँ पे नारियल ज़्यादा है ना, तो डब जो है वो कहीं भी तोड़ के अपने से काट वाट के खा लो, पानी भी पी लो, कोई बोलने नहीं जाएगा, क्योंकि नारियल बहुत ज़्यादा है। छोटा सा ये दिखा है ना, क्या है ये? अरे ये तो पक शिट, जैक फ्रूट है ना, वैसा ही है, लेकिन ये सब्जी के लिए है। सब्जी के लिए है? ओहो, हमें लगा कि पहले कटहल है। ये कितना साफ सुथरा है, चलो नीचे। हेलो हेलो और इधर से नीचे जाओगे तो रास्ता भी, ये देख रहा है कच्चा रास्ता है ना, और पूरा जंगल झाड़ इधर है, लेकिन आपको यहाँ पे नारियल का पेड़ हर एक जगह मिल जाएगा। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी नीचे थोड़ा खेती का है, चावल बनने उगाते हैं ना। अच्छा, वो वाला खेती है उधर, थोड़ा देखते। और ये रह गया सुपारी का पेड़ ना, सुपारी वाला, सुपारी नारियल खेला वो तो सब जगह। और नीचे है खेती वेती करने के लिए जगह, पूरा धान की खेती और साइड साइड से नारियल का पेड़, क्या अच्छा नज़ारा है। हम अभी अंदर जाते हैं, लेकिन शूज पहने ना, भैया भी बोले कि शूज पहन के अंदर जाना सख्त मना है, इन लोग को मान्यता है यार, अब वो बोले तो फिर मानना पड़ेगा ही ना। हिंदी मुंबई में मेरा साथ में सब मतलब कि यहाँ से जो मुंबई गए हैं सारा कोई हिंदी सीखे हैं ना, लेकिन ज़्यादा करके अभी आपका झारखंड वाले आधा से ज़्यादा इधर ही रखे हैं अभी। क्या आवाज़, क्या ये एक चिड़िया है? चिड़िया। और यार यहाँ पे क्या है कि यहाँ का जो लोकल है ना, जो गांव में रह चुके हैं उनको सिर्फ कन्नड़ और यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आती है, और जो भी यहाँ से बाहर गए हैं अदर स्टेट काम करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र और भी जगह, तो उन लोगों को हिंदी समझ भी लेते हैं और हिंदी बोल भी लेते हैं।